नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के बारे में सीख सकते हैं और ऑनलाइन में आने वाली बहुत सी समस्याओं के समाधान भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे bittrex.com के बारे में, यानी कि bittrex एक्सचेंज के बारे में। आज जानेंगे दोस्तों, अगर आपने bittrex एक्सचेंज के ऊपर कोई कॉइन बाई किए हुए हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका लॉस ना हो, यानी कि नो लॉस की जो स्टॉप लिमिट लगाई जाती है वो कैसे लगाई जाती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस जितने भी होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग हो, ये सारे बिजनेस रिस्की होते हैं। यहाँ पर लॉस के भी चांस रहते हैं। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर आ सकते हैं। अगर आपका लॉस होता है या आपका नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारा यूट्यूब चैनल या हम आपसे आपके लॉस की, आपके नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में या क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तब आपको करना क्या होगा, जैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा प्लेलिस्ट का। इस प्लेलिस्ट के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने अलग अलग प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। वहाँ पर आप सीख सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि नो लॉस स्टॉप लिमिट जो है वो कैसे लगाई जाती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम अपने bittrex.com के अकाउंट के अंदर लॉगिन हो चुके हैं और नो लॉस की जो स्टॉप लिमिट लगाते हैं उसके लिए मैं जो एग्जांपल देने वाला हूं आपको, वो देने वाला हूं सिया कॉइन का। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, आप किसी भी कॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो बिल्कुल सेम प्रोसेस अपना करके नो लॉस की जो स्टॉप लिमिट होती है वो लगा सकते हैं, क्योंकि bittrex के ऊपर नो लॉस की स्टॉप लिमिट लगाने की प्रोसेस जो है वो सभी कॉइन के अंदर बिल्कुल सेम है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं नीचे लेकर के जाऊंगा और आपको बता दूं, अगर आपने कोई भी कॉइन बाई नहीं किया तो आपको पहले कॉइन बाई करने होते हैं और उसके बाद जो है लिमिट लगानी होती है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पर आपको पहले कॉइन बाई करके दिखाऊंगा और उसके बाद जो है नो लॉस की स्टॉप लिमिट लगा कर दिखाऊंगा। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं सिया कॉइन का ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर ये बाई वाला सेक्शन है और ये जो है सेल वाला सेक्शन है। तो अभी मैं यहाँ पर प्राइस पर क्लिक करूँगा और लास्ट पर क्लिक कर दूंगा, क्योंकि जो अभी लास्ट में प्राइस चल रहा है उसी प्राइस से हम बाई करेंगे, क्योंकि हमें अभी बाई करना है। हालांकि इसमें जो है आप कम रेट में बिड लगाकर छोड़ सकते हैं, जैसे रेट कम आता है तो आपके जो कॉइन होंगे वो बाई हो जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर जो है हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी मैंने लास्ट पे क्लिक किया तो 115 सतोसी रेट आ गया और जो कुछ BTC पड़ा है हमारे पास, थोड़ा सा हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने BTC के अंदर हमें 3161 कॉइन आने वाले हैं। हालांकि आप अपने हिसाब से टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 3000। तो 3000 कॉइन के लिए हमें इतना BTC हमारे अकाउंट से जाएगा। लास्ट पे हमने क्लिक किया हुआ है 115 सतोसी पर और कर देते हैं 22 सिया कॉइन पर क्लिक। बाई पर क्लिक करते हैं, इस तरह से एक पॉपअप खुलता है हमारे सामने और यहाँ पर एक कन्फर्म का बटन है, यहाँ पर हम कन्फर्म कर देते हैं। जैसे हमने कंफर्म किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिया कॉइन यानी SC बाई फ्लैट, जो सिया कॉइन हमने बाई किया हुआ है 3000, वो इसका जो प्रूफ है आप नीचे जा कर के देख सकते हैं। तो नीचे आप जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे माई ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि 115 पर कॉइन के हिसाब से, यानी कि 115 सतोसी पर कॉइन के हिसाब से 3000 कॉइन जो है हमने बाई किए हैं और इतना जो है हमारा बैलेंस डिडक्ट हुआ है BTC के फॉर्म में। तो अभी हम लगाएंगे
नो लॉस की जो स्टॉप लिमिट है उसके लिए आपको जाना है ऊपर की साइड, और यहाँ पर आप देखें तो ये जो सेल वाला सेक्शन है यहाँ पर आपको लगानी है लिमिट। तो आप अपने हिसाब से कितने भी कॉइन के अंदर लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन हमने अभी किए थे कॉइन वाई 3000, तो मैं यहाँ पर 3000 टाइप कर दूंगा। और यहाँ पर जो प्राइस है यहाँ क्लिक करके लास्ट पर क्लिक, अभी जो लास्ट प्राइस है वो 115 ही चल रहा है। रेड डालेंगे तो ये अभी जो है सेल आउट हो जाएगा, लेकिन हमें जो लिमिट लगानी है कि हमारा लॉस ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा हम लॉस से बचे रहें, तो इसके लिए हम यहाँ पर कर देंगे 100। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन चले जाते हैं या आप सो जाते हैं रात को ट्रेड करते करते और इसका रेट जो है नीचे जाने लगता है, तो जैसे ही 113 आएगा आपका जो कॉइन होंगे वो सेल हो जाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होने के चांस से जो है बच जाएंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर 113 डाल दिया, और यहाँ पर आप देखें यहाँ पर है लिमिट का ये रेड वाला बटन, यहाँ पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलता है नीचे आप देखें कंडीशनल लिखा है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये एक बॉक्स आ गया आपके सामने, और यहाँ पर ये वाला जो आपने अमाउंट डाला था, जो रेट डाला था, इसको यहाँ पर कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर दीजिए, या मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। जो रेट यहाँ पर आपने डाला है वही रेट जो है आप यहाँ पर डालिए, और रेट डालने के बाद एक बार फिर से आप कंडीशन पर क्लिक करिए और इस तरह से ये ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। लास्ट में आप देख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे सिंपली सेल्स या कॉइन पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर हमने क्लिक किया और ये पॉपअप खुला, और यहाँ पर एक बार फिर से आप कंफर्म कर दीजिए। लिमिट है दोस्तों नो लॉस की वो लग चुकी है, इसका जो आप देखना चाहते हैं कि लगी है नहीं नीचे आकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर लिमिट लग चुकी है 113 सतोसी पर कॉइन के हिसाब से, 3000 कॉइन की लिमिट लगाई है हमने, और जैसे ही ये सेल आउट होगा तो इतना जो है हमें BTC की फॉर्म में अमाउंट मिल जाएगा, यानी कि हमारा जो लॉस के चांस होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे दोस्तों। और अगर आप बिल्कुल नॉर्मली तरीके से 113 का रेट डाल के यहाँ पर सेल कॉइन पर क्लिक करते तो ये कॉइन जो है अभी आपके सेल हो जाते और आपका जो है लॉस हो जाता। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर बिटरेस की जो कंडीशन है वो ये है कि आपने अगर 113 पर सतोसी के हिसाब से यहाँ पर लिमिट लगाई हुई है सेल आउट की, तो कंपनी जो है यानी कि ये जो एक्सचेंज है वो किसी भी जगह जाकर इसको सेल कर सकता है 112 पर भी, 110 पर भी, 100 सतोसी पर भी, और 1 सतोसी के अंदर भी, यानी कि 1 सतोसी से लेकर जितना आपने लिमिट लगाई है उसके बीच में सेल आउट ये कर सकता है, इसका हक जो है एक्सचेंज को अवेलेबल है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको कितना लगाना है, लेकिन मैं आपको बताऊँ मैं इसको यूज करता हूँ लिमिट को, और इस लिमिट से मुझे ज़्यादा लॉस के चांस जो है वो बिल्कुल बच जाता हूँ मैं, लॉस नहीं हो पाता है और इतना ज़्यादा नीचे भी नहीं जाता जो इनकी कंडीशन है कि एक सतोसी से लेकर और जहाँ तक आपने रेट पर विड लगा रखी है वहाँ तक सेल होगा, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है जहाँ तक मैं जानता हूँ। फिलहाल आप अपनी तरह से स्टडी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो अगर आपने 113 पर लगाया तो 113 पर सेल आउट हो जाता, नहीं तो लास्ट तक 110 पर सेल आउट हो ही जाता है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं इससे भी बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर यहाँ पर अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, और वहाँ पर आप अगर लिमिट लगाकर जो है काम करते हैं, हालांकि आपका अकाउंट किसी भी एक्सचेंज के ऊपर हो, किसी भी एक्सचेंज के अंदर जो है आप ट्रेड कर रहे हो, और अगर कुछ सॉफ्टवेयर अपना करके आप लिमिट लगा करके छोड़ देते हैं तो जो रेट पर आप लिमिट लगाते हैं वही रेट जो है सेल आउट हो जाता है, उसी रेट के अंदर सेल आउट होता है और आपके लॉस के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो मैं भी यूज करता हूँ, और इन सब की जानकारी आप चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उनके लिए भी दोस्तों हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना करके दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आया होगा कि आप जो है अपने बिटरेक्स एक्सचेंज के ऊपर नो लॉस की जो स्टॉप लिमिट होती है वो कैसे लगा सकते हैं, और भी इससे रिलेटिव जो जानकारियाँ हमारे पास है वो आने वाले वीडियो के दौरान हम आपको देते रहेंगे, बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि ऑनलाइन में अर्निंग से रिलेटिव जो अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लेकर आते हैं या जो अपडेट वगैरह हम आपके लिए लेकर आते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में मिलती रहे, और आप किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी या अपडेट को मिस ना कर सकें और ऑनलाइन में अर्निंग का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगले वीडियो में किसी अच्छी न्यूज़ अपडेट या किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।